नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियांगी, नेत्र रोग विशेषज्ञ के तौर पर FH मेडिकल कॉलेज में मैं कार्यरत हूँ। मैं अभिवेरा फाउंडेशन को सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें हम अलग अलग डॉक्टर्स आकर इस कोरोना वायरस या COVID-19 जैसी महामारी के बारे में हम अपनी तरफ से सूचनाएँ दे सकते हैं। मैं सर्वप्रथम बात करना चाहूँगी कि इस महामारी में, इस कोरोना वायरस डिजीज़ में आँखों पर क्या असर पड़ता है और साथ ही इस महामारी के चलते हमें आँखों का ध्यान कैसे रखना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि ये जो कोरोना वायरस है ये आँखों के द्वारा भी संक्रमित हो सकता है। वर्ल्ड के केसेस बहुत कम है लेकिन चाइना में देखा गया है कि 1/3 केसेस ऐसे है कि जो आँखों में जिनका संक्रमण पाया गया है। तो आँखों से ये कैसे फैलता है, सबसे पहले तो ये कि अगर जैसे छींकने या खांसने से जो वायरस के कण जो हवा में आ जाते हैं वो आपके नाक या मुंह के थ्रू जैसे जा सकते हैं आपके बॉडी के अंदर, वैसे ही वो आँखों के थ्रू भी वो इन्फेक्ट हो सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि अगर हमने किसी भी संक्रमित वस्तु को छुआ है, कोई भी दरवाजे का हैंडल हुआ या कोई भी और अन्य सामान, तो उसके बाद अगर हम अपने आँख को रगड़ते हैं, घिसते हैं, तो उसके थ्रू भी वो इन्फेक्शन आँख में जा सकता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात कि जब ये इन्फेक्शन होता है, अगर हुआ, तो आँखों में क्या इफेक्ट हो सकता है। आँखों में कंजंक्टिवाइटिस जैसी इन्फेक्शन, जिसे हम लोग लाल आँख या पिंक आई कहते हैं, ऐसा पाया गया है। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर लाल आँख जिसको हो रही है उसको ये सोचना चाहिए कि उसे ये डिजीज़ है, इसे कोरोना वायरस है। क्या ध्यान रखना चाहिए, अगर आपकी आंखों में आपको लाल आंखें हो रही है तो बस ये ध्यान रखना चाहिए कि जो कीचड़ या मवाद उसमें से निकल रहा है हम उसको अपने हाथों से ना पोछे या हम किसी ऐसे कपड़े से पोछ के उसको बाहर फैल के मतलब खुला नहीं छोड़े। हम कोई भी टिशू से या रुमाल से या कॉटन से जब हम उस कीचड़ को साफ करें और उसको कोई भी बंद ढक्कनदार डस्टबिन में ही उसको फेंकें और उसका उसका प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल करें, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं कि आँखों का ध्यान हम कैसे रख सकते हैं इस महामारी के दौरान में। सबसे पहले ये मतलब हमें जानना चाहिए कि आँखों, क्योंकि बहुत सारे ये जो क्लिनिक्स है आई केयर की क्लिनिक्स में ज़्यादातर जगह पे बस इमरजेंसी ज़्यादा हैंडल हो रही है। रूटीन भीड़ भाड़ कम करने के लिए लॉकडाउन के दौरान जो है हर छोटी केसेस, छोटे मोटी केसेस में रूटीन पेशेंट्स को नहीं देखा जा रहा है। इसके लिए आप ये अपने घरों में अगर कोई भी थोड़ी बहुत आँखों से पानी आ रहा है, खुजली हो रही है या आँखें थोड़ी बहुत लाल हो गई है, तो कोई भी छोटी परेशानी के लिए आपको तुरंत हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसे एक दिन घर पर ही देखें कि वो किस प्रकार से वो बढ़ रही है कि नहीं। अगर वो ज़्यादा बढ़ती है, आपको ज़्यादा परेशानी करती है, तो या तो आप टेली कंसल्टेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आपके पास वो उपस्थित है, या तो आप किसी हॉस्पिटल में जाके दिखा सकते हैं। ऐसे कौन से इमरजेंसीज़ है जब आपको हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत ज़रूरी है, जैसे कि आपकी आँखों में नज़र एकदम से अचानक बहुत कम हो गई हो अगर नज़र, या आपकी आँखें बहुत ज़्यादा लाल हो रही हो, उसमें से बहुत ज़्यादा कीचड़ बहुत मवाद निकल रहा हो साथ में, या तो आपकी आंखों में कोई किसी प्रकार की चोट आ गई हो, तो ऐसे सिचुएशंस में आपको हॉस्पिटल में जाकर ही इसका इलाज करवाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई भी कुछ छोटी मोटी परेशानी आपको लग रही है तो आप उसको आंखों को रेस्ट दे, हल्के पानी से साफ़ करें, ठंडक दे, उसी से आपका काम एक दो दिन तक आप उसी से देख सकते हैं, ठीक है। और इमरजेंसीज़ में ही आप हॉस्पिटल ज़रूर से, जिन कारणों को मैंने बताया उन कारणों में आप ज़रूर से हॉस्पिटल जाएं। और अगर आप के आस पास इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा है, अगर आप कोई भी कोरोना संक्रमित मरीज़ अगर है, आप उनके कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो ऐसे केसेस में आप ये काम कर सकते हैं कि आप एक प्रोटेक्टिव जो ग्लॉगल्स होते हैं, जो ग्लासेस होते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नॉर्मल साधारण ग्लासेस है उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है क्योंकि उसमें से ऊपर से नीचे से वो खुला रहता है। दूसरी बात, जो लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ कर रहे हैं रेगुलरली, तो वो ये कर सकते हैं कि कुछ दिनों तक कॉन्टैक्ट लेंस ना यूज़ करें, क्योंकि उसको यूज़ करने के लिए बार बार आपकी उंगलियाँ जो होती है वो आँखों में लगती है, तो इसकी वजह से वो उसको कुछ दिन तक टाल सकते हैं। जिन लोगों की
आंखों की कोई पहले से ही परेशानी रही है, जैसे सूखेपन की या एलर्जी की या काले पानी की कोई परेशानी पहले से ही रही है, तो वो अपने इन परेशानियों के लिए जो दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं वो अपने डॉक्टर से बात करके 2 से 3 महीने तक के लिए दवाई एक बार में लेके अपने पास स्टॉक कर ले, ताकि उनको बार बार दुकान में न जाना पड़े। इसके अलावा मैं और बताना चाहूँगी कि लॉकडाउन के समय पे क्योंकि लोग बहुत घर में रह रहे हैं, तो लोगों का टीवी का यूसेज और मोबाइल फ़ोन का यूसेज जिसकी वजह से बढ़ गया है, इससे हम लोग कहते हैं कि इंक्रीज स्क्रीन टाइम, और साथ में मौसम भी गर्मी का मौसम हो रहा है, इन सब चीज़ों को मिला के लोगों के आँख में एक सूखेपन की प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ रही है। इसकी वजह से आँखों में हल्का सा लालपन हो सकता है, हल्की इचिंग मतलब खुजली हो सकती है आँखों में, या बहुत थोड़ा बहुत पानी भी निकल सकता है। अगर ऐसी परेशानी आपको लग रही है तो सबसे पहले आप यही देखिए कि आपका टीवी या मोबाइल फ़ोन का यूजेज जो जितनी देर आप देखते हैं वो कम कर सके। ये बड़ों में और बच्चों में दोनों में ही मतलब इसका सेम चीज़ है। अगर इसमें टीवी मतलब टाइम आपको कम करना है, साथ ही में आप ये ध्यान रखें कि अगर जैसे आधा घंटा आपने देखा है लगातार टीवी को बच्चा देख रहा है, तो 10-15 मिनट कम से कम या आधा घंटा तक फिर वो ना देखे, आंखें बंद करे, कम से कम आंखों को रेस्ट दे, और बीच बीच में हो सके तो साफ़ पानी से आंखों को धो ले। इस तरह से जो आंखों पे जो एक सूखापन आता है इस मौसम में, उसको आप थोड़ा सा ठीक रख सकते हैं। इसके अलावा मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि आप आँखों को बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से बार बार रगड़ना या खुजली नहीं करना है। हाथ अच्छे से धो के रखना है हमेशा, क्योंकि हाथों से ही सबसे ज़्यादा आँखों में इन्फेक्शन जाता है। और बाकी जो सारे नियम कानून है, हाथ धोना, अगर हम खांस छींक रहे हैं तो फिर टिश्यूज़ का इस्तेमाल करना, उन सारे नियमों का हम अगर पालन करते रहेंगे तो इसमें ये जो महामारी है ये जल्द से जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, एक बार फिर से मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अभिवीरा फाउंडेशन को कि ये वाला जो प्लेटफॉर्म है ये हम लोग को मिला। थैंक यू सो मच।